ग्रीन ग्रीन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस अभी जो है ना मुझे हेयर स्टाइल बनवाना है जस्ट बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं होस्ट पिंपल मुझे निकल आया, ये वाले बाल मेरे बिल्कुल ही फट चुके हैं। चीज की तलाश थी मुझको वो मिल गई। दुपट्टा है ग्रीन, बस ये लाने की इजाजत दी है उन लोगों ने। भाई ये देखें, वाओ यार ये बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है। वेलकम बैक ग्रीन ग्रीन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। और कल तो चौदंगस नहीं है, कुछ दिन बाद है, सोमवार को है, कल सैटरडे है, कल है मेरी कॉलेज में इवेंट, तो वहाँ का व्लॉग तो मैं भी मैं शेयर ना कर पाऊँ आप लोगों के साथ। बट मैं जो है अपना गेट रेडी विद मी, यानी मैं क्या कुछ करके जाती हूँ, यूनिफॉर्म पहनना है, उसके ऊपर ग्रीन कुछ भी दुपट्टा शुपट्टा सारा कुछ ग्रीन ग्रीन करना है। तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी कि मैं क्या कुछ ग्रीन ग्रीन करती हूँ और खुद को जो है वो ग्रीन लुक में चेंज करती हूँ। तो अभी वो जो है ना मुझे अपने पिछले साल की ज्वेलरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला, मैं मार्केट गई नहीं और आज भी टाइम नहीं है, कैरेटिन वगैरह क्लाइंट टाइम वगैरह। तो अब मुझे जो है वो ढूंढनी है अपनी ज्वेलरी और मैं जाऊँगी और जाकर ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे ब्रेसलेट कड़े वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो उनको ढूंढते हैं पिछले साल के, जबकि भी हो यार वो प्यारे बहुत हैं और वैसा मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला, तो मैं वो पहनूंगी। तो चलाओ ढूंढते हैं, मेरे साथ ढूंढो ना, आप जल्दी मिल जाएंगे। नाम की डेकोरेशन जो अभी तक हुई है और ये भी उतरवाई नहीं है हमने, इसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर किया, वो भी देख लीजिएगा। तो गाइस अभी जो है ना मुझे हेयर स्टाइल बनवाना है जस्ट बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कहा है तो मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ। हम सबका प्लान भी था कि हम लोगों ने जो है वो 14 अगस्त या कोई भी इवेंट आया पहला, तो हम कुछ कर्ल्स टाइप कुछ करेंगे, तो मैंने मशवरा दिया कि क्यों ना कर्ल्स ज़्यादा ओवर हो जाएंगे, वेव वाला कर्ल करते हैं, वो ज़रा थोड़ा नॉर्मल भी लगता है, थोड़ा सिंपल भी लगता है, तो हम सोच रहे थे कि हम वो करें। तो अभी मैं बाल वॉश करवाऊँगी अपने, क्योंकि कल बाथ लिया था, शावर लिया था, लेकिन लाइट लाइट से जो वो ऑयली लग रहे हैं मुझे, मैंने सोचा चलो कुछ फ्रेश फ्रेश लुक आ जाएगा। तो हम लोग अभी जाएंगे वॉश करेंगे अपने हेयर्स को और उसके बाद हम अपने वेव वाले कर्ल शुरू करेंगे। तो लेट्स गो। होस्ट पिंपल मुझे निकल आया और इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना, इसमें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए मुझे निकला है। कुछ नहीं होता, अब क्या कर सकते हैं, मेहताब जो है वो मेरी वॉशिंग करवा रही है। गंदा मुंह आया, गंदा तो गंदा ही आएगा। अब मेरी वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग के बाद मिलती हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। बाय द वे अभी जो है मैं ड्राई करवा रही हूँ अपने बालों को, इनको ड्राई करवाने के बाद हम करेंगे। हाँ मैंने खदीजा को याद करवाया कि पहले मूस लगा लो। नहीं भाई नेहा ने याद करवाया, मूस लगा लो फिर इकट्ठे ही जो है वो ड्राई कर लेंगे। अभी मूस लगाएंगे फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी कि आपको पता चल जाए कौन सा भाई कलर है जी, भाई क्या कुछ करते हैं जी 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 जी। मैं ये मूस है जो मैं अपने हेयर पर यूज़ करवा रही हूँ अभी, ठीक है। इससे जो है वो आपके बाल अगर सिल्की है ना तो थोड़े से वो हार्ड हो जाते हैं और जो आपके कर्ल्स वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो देर तक स्टे करते हैं। स्ट्रेटनिंग से पहले मत यूज़ कर लेना, बस कर्ल्स या इनके लिए। भाई हो चुके हैं मेरे हेयर और अभी जो है हम लोग करवाने वाले हैं क्रिम्पिंग वे वाले कर्ल्स। ये कलर दिखाना, मैं उनको दिखाऊंगा गाइस को। गाइस को आए हाय। ये वाला कलर है, ये इस टाइप का होता है कुछ, और यूं मैं खुद भी कर सकती हूँ, अगर आपको वो ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मैं शेयर करूँगी। बट अभी मैं ट्यूटोरियल शेयर नहीं करी है, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये करवा रही हूँ और आज मैं क्या क्या ये वो करूँगी, वो चीज़ें हैं। ये एक गेट रेडी विद मी का वीडियो है, बट इसमें कोई मैं आपको ट्यूटोरियल शेयर नहीं कर रही, जस्ट लाइक दैट इस तरह करते हैं। और मुझे इससे भी बहुत डर लगता है, गर्म हर चीज़ से डर लगता है, खुद करो ना तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन क्या कर रही हो, जब कोई करता है ना तो बहुत ऐसा कुछ कुछ होता है कि कोई लगा ना दे, हो जाता है ना कभी कभी, गलती से भी तो लग जाता है। तो अभी ये करवाएंगे हम, उसके बाद मैं आपको जो है वो कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब जो होगा वो कल ही होगा। चलो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों के साथ ये वाला कलर का ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूंगी, सेल्फ पर कैसे कर सकते हैं वो वाला ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, और आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जस्ट एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है कि प्लीज़ शेयर कर दें, मैं ज़रूर कर दूँगी। ये वाले बाल मेरे बिल्कुल ही फट चुके हैं और अभी ये वाले करेंगे हम। यार ये लुक मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी ये होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि लुक कैसा लग रहा है, और मुझे ये वैसे सूट करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा, और बाकी भी लोग जिनसे भी मिली हूँ ना इस हालत में उनको भी लगता है कि हाँ भाई अच्छे लगते हैं।
आप देख सकते हो कल सो चुके हैं, अभी ये ज़्यादा फ्लफी हैं बिकॉज अभी फ्रेश फ्रेश हुए हैं और अभी मैं सो जाऊंगी जब रात पूरी गुजरनी है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बैठ जाएंगे क्योंकि मैं सोऊंगी गंदे तरीके से ये सोच करके इनको बैठना है, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा फ्लफी हैं अभी, ठीक है, ये थोड़े से बैठ रहे हैं, अभी बैठ गए यार हाथ लगाने से, ठीक है, तो अभी सोते हैं, कल मिलेंगे फिर। तलाश थी मुझको वो मिल गई। अच्छा तो जी मुझे ये मिल चुके हैं, इसमें से मुझे ना ये इयररिंग्स मिले हैं, मैं सबको कहा था मैं इयररिंग्स नहीं पहनूंगी और फाइनली मुझे मिल गए तो मैं पहन लूँगी अब, और साथ में ये ब्रोच जो कि मुझे लगा था क्या कहते हैं अब इसको मैं बन इतना नहीं क्या नाम कभी भी कभी कभी भूल जाते हैं आसान चीज़ों के भी, तो अभी ये मैं पहनूंगी कल साथ में, और ये मुझे पूरा नहीं है ये फ्रेंड को दूंगी बिकॉज उसके हैंड्स ज़रा थोड़े से हेल्दी हैं, साथ में ये पहनूंगी जो कि थोड़ी सी लड़कों से मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी ऊट पटांग टोम्बॉय जैसी चीज़ें, साथ ये पहनूंगी, ये भी ग्रीन कलर का है, ये मैंने 14 अगस्त पर ही लिया था, ये पहनूंगी, और ये क्या है आई डोंट नो ये क्या है, ओ आई सी हार्ट वाला ये कुछ बना हुआ है, ये मैं देखूंगी, ये मैं पहनना नहीं चाहती, एंड ये रिंग है लोकल 10 रुपए वाली लग रही है, ये नहीं मैं पहनूंगी, मेरे हाथ में जो रिंग्स होती हैं मैं वही वेयर करूंगी। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी जो है वो मैं 5 बजे उठी थी और अभी जो है वो 5:30 बजे उठी थी, शायद 5:30 बजे उठी थी, 5:30 हो चुके हैं, और अभी जो है वो मैंने जो फेस वॉश किया है, लेंसेज लगाए हैं, और अब मैं यूनिफॉर्म वेयर करने जा रही हूँ, वो वेयर करने के बाद मैं मिलती हूँ फिर बाकी अपडेट्स दूँगी। यूनिफॉर्म इज़ डन, अब यूनिफॉर्म पहन लिया है, हमने मेकअप करना है, और मेकअप पे मैं बहुत लाइट करूँगी, जो मैं लगाती हूँ टिंट और मस्कारा, जस्ट टिंट और मस्कारा बस वही लगाऊँगी, तो चलो करते हैं। टिंट लगा लिया है, मस्कारा लगा लिया है, लिप पर टिंट मैं जो है वो एंड पर लगाऊंगी क्योंकि अभी मैंने वैसे लगाया, मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, एंड पर जाते हुए लगाऊंगी, जब जाने लगूंगी टिंट, अभी शूज़ वेयर करूंगी मैं अपने, शूज़ वेयर करने वाली थी, देन आई रियलाइज कि मुझे इनको जो है वो पील ऑफ कर देना चाहिए, यानी उतार देना चाहिए, तो मैं बस इसको निकालना है इसको बिकॉज ये इरीटेट करेंगे, फेक नेल्स हैं और ये मुझे नहीं लगाने, नमाज भी पढ़नी है। उससे पहले जो है मैं इस थीनर की मदद से बहुत ही अच्छे शूज़ साफ़ होते हैं, ब्लैक हो या वाइट, आप भी ट्राई करना, जो कॉलेज या स्कूल जाते हैं वो ट्राई करना, बहुत अच्छे से शूज़ साफ़ हो जाते हैं, मैं इनको साफ़ करूँगी। अच्छा कॉलेज में पेंट्स वगैरह अलाउ नहीं किए हुए, इसलिए जो है मैं ये 2 कलर्स लेकर जा रही हूँ नेल पेंट के, क्योंकि टाइम नहीं है, नेल पेंट मैं वहाँ जाकर लगाऊंगी, फ्रेंड्स ने भी लगानी है, पेंट तो नहीं लगा सकते, मुँह पर मैं भी लगाने वाली हूँ, वैसे घर से लगा के जा सकते हैं, तो मैं ये रखूँगी। टीचर्स देख रही हैं ना व्लॉग, तो मैं उनको बता देती हूँ, ये मैं नेल्स के लिए लेके जा रही हूँ नेल पेंट। गॉड ये तो लश्कारे मार रहे हैं। हम कॉलेज में ये चीज़ उनको समझनी चाहिए, ये मोबाइल्स वगैरह अलाउ करने चाहिए फंक्शंस पर, नॉट कंपलसरी के रूटीन में ही कर दें, बट यार फंक्शन पर तो होना चाहिए था, मतलब कि लाइक आज वाला का साथ आज तो लाने की इजाज़त होनी चाहिए थी, बट ओके नहीं तो नहीं। मैंने ये अपनी वॉच को लगाया है चार्ज पे, पता नहीं हो भी रही है या नहीं। दुपट्टा है ग्रीन, बस ये लाने की इजाज़त दी है उन लोगों ने, मतलब ये भी ना देते यार, ये बस ये पहनना है, अब इसको देखते हैं कैसे सेट करती हूँ मैं। गेस कि मुझे इसको बस इस तरह से सिंपल तरीके से रखना चाहिए बिकॉज कोई लुक बन ही नहीं रहा इसका, क्या बनाऊँ मैं, इस तरह फेंक भी नहीं सकते या वो कुछ अजीब लगेगा, तो बस हम सीधा रख लेते हैं। इन दोनों नेल पेंट्स को जो है ना मैं यहाँ डालूंगी, पकड़े गए तो कह दूंगी कि नेल पेंट था, नेल पेंट ही है, अगर पकड़े गए तो कह दूंगी मैम नेल पेंट्स तो अलाउ थी ना, ना पकड़े गए तो वेल एंड गुड। बैग में मैंने ये भी रखा हुआ है कि मैं जब जो है ना वहाँ जाऊंगी, वहाँ जाके ज्वेलरी वेयर कर लूंगी, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है जब हम जाते हैं किसी ने वेयर नहीं की होती, तो इतनी शर्म आती है ना यार, क्या हम ऐसे ऐसे बोली मैं किसी का जो हम इतना रेडी होकर जा रहे हैं, तो अभी ठीक है ना मैं ये वाली ज्वेलरी आपको वैसे दिखा देती हूँ पहन के कैसी लग रही है, लेकिन वहाँ जाकर पहनूंगी मैं ये वाला बताया था मैं नहीं वेयर करने वाली, एंड ये वाला थोड़ा
बड़ा ज्यादा लग रहा है बेसन यार, अच्छा लग रहा है ना। मैंने वॉच क्यों लगाई है मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तो ये पहनने में लगाए और इस हाथ पे ये। और ये है जी हमारा ब्रॉच, क्या है बैच, सॉरी बैच, इसको लगाएंगे हम यहाँ। और आपको पता है ये ब्लिंक भी करता है। और साथ ही इयररिंग्स, ये भी मैं वहीं जाकर वे करूँगी और वापस आके मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। डोंट वरी, ये ना समझना कि मैं आपको लुक नहीं दिखाने वाली, मैं दिखाऊंगी आपको। वापस रखते हैं भाई इनको, ये नहीं पहननी अभी। भाई ये देखें, शी इज मी और ये भी मैं हूँ। अभी ये थोड़ी ब्लर हो गई है, इनको चेंज करूँगी। ये मैंने कस्टमाइज जो है बनवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। कस्टमाइज बनवाने वाला शक्ल है वैसे मेरी, कस्टमाइज बनवाने, लेकिन इसकी क्या है इसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा तो ये मैंने कल पेंट्स मंगवाए थे, ये वाले वाइट, और वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, मैं खुद नहीं जा सकी बट स्टूडेंट से मंगवा लिए थे। और ये ग्रीन कलर है, ये वाइट है एंड दिस वन इज ग्रीन। और ये मुझे जो है वो फेस पर दो लाइंस बनानी है, पूरा झंडा तो बना नहीं सकती, पूरी लाइंस बनानी है दो इस तरह वाली, तो भी बनाते हैं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे लगूंगी, ख़राब होगा तो क्या होगा, आई एम सो स्केयर्ड अबाउट दिस। तो करके देखते हैं ट्राई, एक ट्राई से क्या ही जाता है, सो लेट्स ट्राई। मुझे कोई ब्रश चाहिए जिसकी मदद से मुझे अप्लाई करना है, और ब्रश मैं कह रही हूँ मैं ये ले लूँ बिकॉज ये इतना यूज़ नहीं होता और ये थोड़ा सा ख़राब भी हुआ है। ये ना मामा मेरी चीथड़े उड़ा दें, कर लेते हैं यूज़, साफ़ कर लेंगे बाद में। ना पहले कौन सा कलर लगता है यार, ग्रीन के वाइट, ग्रीन लगा लेती हूँ पहले। ग्रीन बन चुका है, कितना परफेक्ट बना, अब इसके ऊपर वाइट लगाना है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार एकदम कि ये फैल गया तो ये वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अच्छा बन गया। यार ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है, अगर मुझे मौका मिले ना, या मतलब अगर ऐसा हो जाए मेरे लिए, यानी सब करके आए तो मैं रोज़ ये करके जाऊँ, मुझे बहुत पसंद आए। ज़ाहिर है भाई पाकिस्तान के झंडे का कलर है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बोलना पाकिस्तान यस। मुझे पूछा कैसा लग रहा था, वो कह रही है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा, बहुत ज़्यादा। आई नो। Now guys, I want to make some TikToks. बाकी वीडियो जो मैं आके आपको दिखाऊंगी, अब और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अब मुझे जो है वो कुछ मिनट्स तक हाफ और बल्कि हाफ और बाद ऑटो वाला लेने आ जाएगा, तो बस यही मेरा लुक था। टिंट में लगा चुकी हूँ लिप्स पर भी, बस यही था। बाकी मैं आके दिखाऊंगी कि क्या हुआ, क्या कुछ पेंट पकड़ा, नेल पेंट पकड़े गए या नहीं, सारा कुछ बाद में बताऊँगी, अभी के लिए बाय। मैंने सोचा था कि आके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ पहना था, ये वो इयररिंग्स मैं पहन कर नहीं थी गई और ना वहाँ जाकर मैंने वेयर किए थे, और बस ये जो मैंने बनाया था सुबह आप लोगों के सामने वो, और बस ऐसा ही था। और बाकी जो मैंने जो भी पेंडेंट वगैरह नहीं वो तो नहीं था पहना, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहना था, वो सब मैं उतार चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे कॉलेज में, बहुत 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 ज़्यादा, हमने डांस भी किया, गाने गाए और भी बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसके अलावा बच्चों को जो है वो खिलाया वगैरह था नीचे ले जाके, और बहुत मज़ा आया था। बस यही था मेरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसके साथ ही मुझे याद है तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।